राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चैप्टर मेगा शो में बदल गया है। इस यात्रा में पूरा गांधी परिवार भी शामिल हुआ तो आम जनता भी वहां पर पहुंचने लगी। प्यार बांटने वाली दलील के साथ राहुल ने सुबह राम दरबार मंदिर के दर्शन किए तो दोपहर होते होते हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी जा पहुंचे और दुआ मांगी। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, सुबह राम दरबार में दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे, मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा की, दर्शन किए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यानी दोपहर में निजामुद्दीन दरगाह में दुआ मांगने भी पहुंच गए। तो दो तस्वीरें, और कहते हैं कि सियासत में कोई भी कदम उठाए जाते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं, संदेश छुपा होता है, यानी कि एकता, भाईचारा। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एकता, भाईचारा और एक मिसाल कायम करने की तस्वीर और संदेश देने की कोशिश। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में एंट्री हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा की, क्या है लबोलुभाव देखिए जरा। यात्रा को देखिए, 3,000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है, कन्याकुमारी से श्रीनगर के रास्ते में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यह दिल्ली अध्याय। 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा देश की सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली पहुंची। दिल्ली आ गई, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पहुंच गए हैं। कई लोगों ने प्रयास की कि हमें रोकने की, बदनाम करने की, पर हम यहां आए हुए हैं। कांग्रेस पर सबसे बड़ा निशाना परिवारवाद को लेकर साधा जाता है। इस आरोप की परवाह किए बगैर यात्रा दिल्ली पहुंची तो पूरा गांधी परिवार यात्रा में साथ नजर आया। सोनिया गांधी खास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची। उनके साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। यात्रा के दिल्ली अध्याय की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद समझाया और उस बहाने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत और हम मोहब्बत फैलाते हैं, हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। बदरपुर से करीब 10 किलोमीटर का फासला तय कर दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा अपने पहले पड़ाव आश्रम तक पहुंची। यहां राहुल गांधी ने राम दरबार मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने भी मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली पुलिस ने यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। जाम की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। यात्रा के दौरान अपोलो अस्पताल के पास राहुल गांधी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। उन्होंने साथी यात्रियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने को भी कहा। राहुल गांधी के चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। 1 घंटा 40 मिनट में उन्होंने 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। उनके साथ चल रहे कांग्रेसियों को हल्की दौड़ के साथ चलना पड़ रहा है। यात्रा अपने 108वें दिन में है। अब तक 9 राज्यों के 46 जिलों से होती हुई इस यात्रा ने 3000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। इसका समापन श्रीनगर में होगा। राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो देश को जोड़ने के लिए निकले, नफरत को मिटाने और प्यार बढ़ाने निकले, मगर बड़ा सवाल है कि क्या वो वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे, चुनावी सियासत में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे।
दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज, अर्पिता आर्या और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बारह जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। जी हां, बारह जोड़ो यात्रा पर कोरोना वाला भी सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कांग्रेस को देश की फिक्र नहीं, चिंता नहीं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवा देते हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा, मतलब इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। इस यात्रा में आप पूछे, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं, जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हो वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में, चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं, अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है।